भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। But the president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो, भ्रुकुटी चढ़ाती है। दो राह समय की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तादाद में सत्याग्रह ही जाए, उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा, चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा। जमाना पड़ जाए क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। तारीख थी 11 अक्टूबर 1902, जब बिहार के सिताब दियारा में जन्म हुआ लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश जी ने देश को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का एक सच्चा प्रयास किया, जिसमें वो पूरी तरह सफल भी रहे। जयप्रकाश नारायण एक राष्ट्रवादी नेता थे, वे सिर्फ खादी पहनते थे। जयप्रकाश जी ने रॉलेट एक्ट और जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों को छोड़कर बिहार विद्यापीठ में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, जिसे युवा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित किया गया था। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नारायण जी कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो जयप्रकाश जी को पार्टी का महासचिव बनाया गया। जयप्रकाश विलक्षण प्रतिभा से युक्त थे, उनकी बातों का भारतीय जनमानस पर अच्छा प्रभाव था। उनके नेतृत्व में बहुत से आंदोलन हुए। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण सन 1932 में उन्हें एक वर्ष की कैद हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में भारत की भागीदारी का विरोध करने के कारण सन 1939 में जयप्रकाश जी को दोबारा गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में कैद किया गया था। गांधी जी जयप्रकाश जी के जेल से भागने की योजना बनाने लगे। इसी बीच दीपावली का त्योहार आया। जेलर साहब ने जश्न मनाने हेतु नाच गाने का भव्य प्रोग्राम तैयार किया। लोग मस्ती में झूम रहे थे। इसी बीच जब नाच गाने का कार्यक्रम हुआ, तो 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश अपने 6 सहयोगियों के साथ धोती बांधकर जेल परिसर को लांग गए। इस काम के चर्चे लंदन तक पहुंच गए। कुछ दिन बाद 1943 में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, किंतु एक बार फिर वे लोग फरार हो गए। भविष्य में जयप्रकाश जी रावलपिंडी पहुंचे और वहां पर जयप्रकाश जी ने अपना नाम बदल लिया, किंतु ट्रेन में किसी दिन सफर करते हुए जयप्रकाश जी को अंग्रेज पुलिस अफसर ने 2 भारतीय सैनिकों की सहायता से गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश जी को लाहौर की काल कोठरी में रखा गया तथा इनकी कुर्सी पर बांधकर पिटाई की गई। इन्हें वहां से आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इसी बीच ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई और लिबरल पार्टी सत्ता में आई। लिबरल पार्टी के सत्ता संभालने के बाद उन्होंने यह घोषणा की कि वे भारत को जल्द ही आजाद करने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण और उनके जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों का संकल्प पूरा हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। वक्त आगे बढ़ा, शुरू हुआ जयप्रकाश जी के जीवन का दूसरा और एक महत्वपूर्ण अध्याय। सत्ता में आई इंदिरा गांधी। दौर था 1975 का, जब देश में भ्रष्टाचार महंगाई अपने चरम पर थी। गुजरात में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कॉलेज छात्रों ने आंदोलन किया और गुजरात मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा।
जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह जन आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। एक विशाल पैमाने पर शुरू हुए इस आंदोलन को आवश्यकता थी ईमानदार नेता की। तब जनता ने चुना जयप्रकाश जी नारायण को। जयप्रकाश जी ने एक शर्त पर जन आंदोलन की कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने एक नारे के जरिए जनता को शपथ दिलाई, हमला चाहे जैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, और शुरुआत की उस क्रांति की। उन्होंने उस क्रांति को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। इस संपूर्ण क्रांति के नारे ने जनमानस में जोश भर दिया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। उसी मैदान में हजारों हजार ने अपने जनेऊ तोड़ दिए। नारा गूंजा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, आज के सारे नेता उसी जन आंदोलन से उभरे। देश में बढ़ती महंगाई, इंदिरा प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश की राजधानी दिल्ली में एक विशाल जनसभा हुई। तारीख थी 25 जून 1975। मंच पर कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता गूंजी, उठते हैं तूफान बवंडर भी उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में खड़े होकर जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। आवश्यक नहीं है कि जनता का चुना हुआ कोई प्रतिनिधि अपने कार्यकाल की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बना ही रहे। प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, भ्रष्टाचारी, दमनकारी और अक्षम हो जाती है। तब मतदाताओं को या जनता को यह अधिकार है कि वह उनके इस्तीफे की मांग करे। जब दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े होकर लाखों लोगों ने एक साथ इंदिरा गांधी से सिंहासन खाली करने को कहा, तो इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी हिलती नजर आई। और उसी रात को यानी 25-26 जून 1975 को देश में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगा दिया गया, ताकि सत्ता को अपने पिता की जागीर मान रही इंदिरा गांधी सत्ता में तानाशाही से बनी रहे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. भारतीय इतिहास पर काले धब्बे की तरह लगे आपातकाल के उस वक्त के दो बड़े कारण थे। एक था जेपी आंदोलन या जन आंदोलन, और दूसरा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उतरे थे राजनारायण। उस लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट पर इंदिरा गांधी 1,00,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से जीत गए। लेकिन उस नतीजे के एक महीने बाद राजनारायण ने 24 अप्रैल 1931 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार में शासकीय संपत्ति के अवैधानिक उपयोग करने के आरोप लगाए। इंदिरा गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ और 15 जुलाई 1971 से
न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, इंदिरा गांधी को संसद से बर्खास्त कर दिया गया, रायबरेली की सीट के चुनाव को अवैधानिक घोषित किया गया और इंदिरा गांधी को अगले 6 साल के लिए किसी भी प्रकार के चुनाव में खड़े होने से रोक दिया गया। इस गलत चुनाव प्रणाली की बात जयप्रकाश नारायण जी ने अपने जन आंदोलन में भी उठाई। छात्रों और जनता के आंदोलन जो मुख्य बात उठाई गई थी वो यह थी कि प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हो, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में थी कि शिक्षा प्रणाली को इस तरह चित किया जाए कि उसका सीधा संबंध देश की समस्याओं के साथ हो और शिक्षा प्राप्त आदमी देश की समस्याओं से बेहतर तरह से कर सके। आप किसी का गलत हुकुम ना माने, ये आदमी एक पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है कि अनुचित और अनैतिक आदेशों का पालन करना दंडनीय अपराध है। सेना का पहला काम है संविधान और लोकतंत्र की श्रेष्ठता को बनाए रखना। हाई कोर्ट के फैसले और जन आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखी और सत्ता में बलपूर्वक बने रहने का एक ही रास्ता नजर आया, आपातकाल। 25 जून 1975 की शाम को एक बुलंद नारा हर हिंदुस्तानी की जुबां पर था, जेपी आंदोलन बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। जयप्रकाश नारायण को सरकार का कोई भय नहीं था, उन्होंने भरे मंच पर खुलेआम कह दिया, सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जो नारे 25 जून 1975 की शाम तक दिल्ली के रामलीला मैदान में लगाए जा रहे थे, रात होते होते चंद घंटों में 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने उन नारों को आपातकाल की दर्दनाक चीख से दबा दिया। सैकड़ों नेता गिरफ्तार किए गए, नेता ही नहीं समाज सेवकों तक को गिरफ्तार किया गया, सवाल करने तक का अधिकार लोगों से छीन लिया गया, अमानवीय और असंवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए जयप्रकाश जी नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 21 महीनों तक आपातकाल को बिना किसी कारण रखा गया और जब तक आपातकाल रहा लोगों ने सत्ता की महारानी की रगों में अंग्रेजों के खून को दौड़ते हुए साफ साफ देखा। 1977 में आपातकाल हटा, जनता ने एक धूर्त व्यक्ति को लोकतंत्र की ताकत दिखाई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की गठित जनता पार्टी सत्ता में आई। अपनी बीमारी और बढ़ती उम्र के कारण 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।